हेलो विंड लवर्स, तो क्या हाल है। ये वीडियो होने जा रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है जो मैं विंड कॉइन के होल्डर्स के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि विंड कॉइन हम सबका फेवरेट कॉइन है, हमने इस कॉइन में से बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे, तो हम देखने की कोशिश करें कि विंड का क्या फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है और क्या विंड के बारे में हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो उसे बूस्टअप लेके जाए। तो हम ये सारी बातें होंगी विंड कॉइन के बारे में। इससे पहले कि हम इसके बारे में मज़ीद जानें, तो आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं, साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। ओके, तो हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि विंड कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो गेमिंग इंडस्ट्री को डायरेक्ट टारगेट करता है, और गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप सिर्फ गूगल में जाके ये लिखना हाउ बिग इज़ अ गेमिंग इंडस्ट्री, देन यू विल नो इट हाउ बिग इज़ इट इन रियली। ओके, तो क्योंकि विंड एक गेमिंग इंडस्ट्री को टारगेट करता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसी वजह से हमें इसका ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है। और एक बात कि विंड क्या करता है, गैम्बलिंग को टारगेट करता है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉइन है जो सीधी गैम्बलिंग करवाता है। ओके, तो ये हम जान सकते हैं, ये बातें मैंने पहले भी अपनी एक डिटेल में वीडियो में बताई हुई है, लेकिन आप जानते हैं कि विंड का एक ये यूनिक ही आइडिया जिसकी वजह से ये विंड अप जाने वाला है। क्योंकि विंड के हवाले से कुछ न्यूज़ वगैरह भी निकल के आ रही हैं, वो भी सारी न्यूज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि विंड की टोटल सप्लाई थी 999 बिलियन, इसमें से अभी तकरीबन रिमेनिंग रहती है आई थिंक 777 बिलियन सप्लाईज की रिमेनिंग रहती है, वो बाकी जो थी वो उन्होंने बर्न कर दी। क्योंकि ये फ्लैश ये बर्निंग के मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी प्राइस को हाई लेके जाने के, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका फाउंडर है जस्टिन सन, जो एक बड़े कॉइन को चला रहा है TRX को, जिसे हम कहते हैं ट्रोन कॉइन, जानते हैं उस कॉइन को, उसकी चेन को चला रहा है। साथ में हमें क्या और चीज़ देखने को मिलती है कि हमें इसका USDT का पेयर देखने को मिलता है, और आप जानते हैं कि इसका जो पार्टनर है वो BTT भी है, तो दोनों ये तीनों चारों एक इकोसिस्टम में मिलके काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आती है। जैसे आप जानते हैं कि हमें विंड ट्रोन में भी बर्निंग देखने को मिलती है, BTT में भी बर्निंग देखने को मिलती है, तो एब्सोल्युटली हमें फ्यूचर में हो तक इस महीने में एक और बर्निंग देखने को मिलेगी ट्रोन कॉइन में। ओके, तो ये तो कुछ इसकी छोटी मोटी बातें थी। आप जानते हैं कि इसमें आप बहुत सारी गेमें वगैरह खेल सकते हैं, आप खेलना चाहें गैम्बलिंग करना चाहें तभी आप खेल सकेंगे। ओके, अगर हम इसकी करंट प्राइस की बात करें, इसे न्यूज़ की तरफ बाद में चलते हैं, लेकिन अब इसकी प्राइस की बात करें थोड़ी बहुत, आप पहले देख लें कि मार्केट बहुत ग्रीन ग्रीन चल रही है। आप जानते हैं कि 7 दिन में बिटकॉइन हमें 13% गेन देखने को मिला, इथेरियम 15%, BNB जो बाइनेंस कॉइन है वो भी हमें 22% देखने को मिला, और सोलाना का सोल कॉइन भी हमें 20% देखने को मिला, 21%। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि चल रही है, कि मार्केट जैसे ये अक्टूबर का मंथ आता है तो मार्केट हमें बहुत बूस्टअप देखने को मिलती है। आप जानते हैं कि हमारा TRX ट्रोन कॉइन में भी हमें तकरीबन 4.79% इस वीक देखने को मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि सितंबर का मंथ मार्केट के लिए कुछ अच्छा खासा नहीं गुजरा, लेकिन अब इस मंथ में अक्टूबर के मंथ में हम थोड़ी बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सारा निकल के आता है होल मार्केट के हवाले से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंड की मार्केट, तो विंड की मार्केट ये चल रही है, विंड तकरीबन अभी चल रहा है 3.21% गेन चल रहा है 24 घंटों के हिसाब से, तकरीबन रेट चल रहा है 0.000462 चल रहा है कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसी वक्त, और BTC के पेयर के हिसाब से हमें तकरीबन 1.07% देखने को गेन मिली, और इथेरियम के पेयर के हिसाब से हमें तकरीबन माइनस में देखने को मिला है 1.40। तो ये तो खैर है इसकी मार्केट का वॉल्यूम है जो चलता रहता है, अगर हम इसकी मार्केट रेंट बाई करें तो हमें तकरीबन 155 यानी 155 को इसकी मार्केट का रैंक देखने को मिलती है। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी लाल चल रहा है, तकरीबन -15% चल रहा है। तो क्योंकि ये एक फ्यूचर का कॉइन है, आप जानते हैं कि इस फ्यूचर में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। अभी रिसेंटली इनकी एक अनाउंसमेंट हुई है, थिंक यू हैव गॉट व्हाट इट टेक्स टू कैच 999X विन टू विन मून गेम। ओके, ये इनकी गेम के बारे में, लेकिन आप पहले क्या होता था, आपको कोई भी गेम खेलनी होती थी उसके लिए आपको क्या मिलता था, अकाउंट बनाना पड़ता, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, इनके वॉलेट ट्रॉनलिन का वॉलेट आई थिंक उसमें से आप डायरेक्ट खेल सकते हैं। ये भी एक विंड के हवाले से अपडेट निकल के आप डायरेक्ट गेमलिंग कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कोई गेम वगैरह हो तो आप उनके साथ खेल सकते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी निकल के आती थी कि इनके विंड के TUSD टोकन्स कम टू लाइव प्लेटफॉर्म, यू कैन प्ले ऑल गेम्स ऑन लाइव प्लेटफॉर्म, आप खेल सकते हैं विंड के साथ और TUSD के साथ। तो ये थोड़ी बहुत अपडेट्स निकल के आई थी विंड कॉइन के हवाले से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये अपडेट्स शेयर करूँ। तो यही कुछ बात निकल के आती थी, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे विंड का बहुत कुछ चल रहा है, उम्मीद है कि विंड से हमें अच्छी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो हम देखते हैं कि आगे हमें देखने को क्या मिलता है। तो यही थी आज की ये वीडियो, आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। पीस।